Yo, what's happening guys, my name is Loggy और आज हम फिर से एक brand new Minecraft वाली दुनिया के अंदर मौजूद हैं। और guys सुबह 4 बजे guys postman मेरे घर पे आया था और उसने मुझे एक letter दिया। और guys letter के ऊपर ये लिखा था कि मुझे जाना है इस coordinates के ऊपर। यहीं पे रुक जाइए। हाय, welcome to चपाती भाई, बोलो। welcome to the king's land। ना चपाती भाई नहीं भाई, मैं यहाँ का पहरेदार हूँ। नूबड़े हो फिर, नूबड़े। अच्छा हाँ, sorry, netherite की सर्दी अंदर कर दो। मैं king का बंदा हूँ और यहाँ पे मेरे को king ने हुक्म देकर रखा कि हमारा एक आज स्पेशल गेस्ट आने वाला है। और तू नूबड़ा भाई, जहाँ तक मुझे पता जो किंग का आदमी होता है वो हमेशा चपड़ूस होता है। तेरी। आपने मुझे कैसे मारा, मैं आ रहा हूँ अभी। आप गए अभी, मैं किंग को बताऊंगा। भाई किंग मेरा पक्का दोस्त है भाई, अगर मैंने कंप्लेंट कर दी तो आपको यहीं से धक्के मार के बाहर निकाल देगा। किंग तक पहुंचने के लिए तेरे को मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। रहने दो भाई, साइड से निकल गया, मैं निकल गया। इस बात सुन भाई, क्या कर रहे हो यहाँ पर भाई? तेरे किंग से नहीं मिल सकता। किंग को मिलने के लिए तेरे को यहाँ पर आर्मर वगैरह लेना पड़ेगा, थोड़ी जॉब्स वगैरह करनी पड़ेगी और तेरे को पैसे कमाने यहाँ पर। पैसे चल, पैसे कमाने पड़ेंगे, चलो कोई बात नहीं। और ये रहे किंग के गार्ड्स, अगर जैसे तू अंदर गया तेरी छल्ली कर देंगे, तेरे को भरता बना देंगे तेरा। तो यार वैसे गाइस, अगर गार्ड्स की तरफ देखे तो खतरनाक भाई, पूरे आर्मर्ड गार्ड यहाँ पर खड़े हुए हैं। सुन जल्दी कर, किंग तेरे को वेट कर रहा है। टैक्स देना टिंग ने भाई। टिंग 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 क्या हो रहा है भाई? अच्छा किंग ने तेरे को टैक्स देना बहुत ही बड़े वाला, ठीक है? तो गाइस चपाती भाई ने बोला था कि अगर मुझे किंग से मिलना है तो मुझे यहाँ पर थोड़े बहुत पैसे कमाने पड़ेंगे और जॉब्स करनी पड़ेंगी। तो गाइस चैलेंज तो बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन आई थिंक अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो आई थिंक गाइस ये चैलेंज बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और गाइस मैं अपने टारगेट के पास भी बहुत ज्यादा पहुंचने ही वाला हूँ, सिर्फ थोड़ा से गाइस सब्सक्राइब और बाकी है। तो प्लीज गाइस अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। ओके, तो मुझे अभी यहाँ पर जॉब ढूंढनी कहाँ पे है? ये कौन है? नीको, हेलो नीको। एक काम करता मैं इससे जॉब मांगता हूँ। ओके हेलो नीको सर जी, कैसे हो? इसने चार्ट में क्या लिखा है? तो इसने लिखा है हेलो लॉगी गेमर, कैन यू हेल्प मी ब्रीडिंग ऑल ऑफ माय मॉब्स फॉर $10। अरे तो गाइस इसने तो आते ही मुझे जॉब दे दी है और इसने मुझे बोल के रखा है कि अगर मैंने इसके सारे मॉब्स को यहाँ पर ब्रीड कर लिया तो ये मुझे बदले में देगा $10। तो एकदम से सही डील है। तो एक काम करते हैं, मुझे सबसे पहले यहाँ से गाइस कैरेट्स उठानी है, वीट उठाना है और यहाँ से मैंने सीड्स भी उठा लिया। और ये देखो कहाँ से देख रहा हूँ, अच्छा टिंग ने बोला कि तेरे ऊपर नजर रखनी है। हाँ हाँ, टिंग ने बोला क्या? टिंग आती भाई, तू तो आती, तेरे को जॉब मिल चुकी है। वो तो है तो देख रहा हूँ ना भाई, मैं यहाँ पर स्लैक करता ही नहीं, मैं भाई पूरी मेहनत के साथ यहाँ पर काम करता। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर इन शीप्स को यहाँ पर ब्रीड करना है और इसके बाद आएंगी अपनी भूखी गायें। भाई साहब यार, क्या झुंड में आ रहे हैं यार ये तो। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, मैंने जितने भी यहाँ पर ब्रीड किया मुझे उतने ही पैसे मिलेंगे। और इसके बाद आएंगे अपने चिकन। हेलो चिकन्स, कैसे हो? तो एक काम करते हैं, मैं पहले सीड्स पकड़ लेता हूँ और मैं इस कोने के अंदर आ जाता हूँ ताकि सारे चिकन एक साथ पे आ जाओ। सिर्फ दो तीन ही आए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं इनको भी ब्रीड कर लेता हूँ। और एक तू भी आया, और तू भी आ जा, और फाइनल वाली ये रही, लेट्स गो। तो आई थिंक गाइस मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। तो नीको मैंने तेरा सारा काम कर लिया, ये रिमाइंडर्स तू यहाँ पर रख ले और लेट्स गो। मेरे पास आते ही $10 आ चुके हैं। $10? अरे बात, तू तो कुछ ज्यादा तरक्की कर ले। कम ऑन लॉगी, तू किंग से मिलने वाला है, लेट्स गो। वही तो भाई, आज तो मैं किंग के साथ मिलकर ही रहूंगा। चल ठीक है, अभी तेरे को और जॉब्स करने, तेरे को आगे बढ़ना है। ओके तो गाइस ऑब्वियसली $10 तो इनफ नहीं होंगे किंग से मिलने के लिए, तो मुझे यहाँ पर और पैसे कमाने पड़ेंगे। और मैंने अभी देखा यहाँ पर एक लंबर जैक खड़ा हुआ है। हेलो सर जी, कैसे हो? तो ये मुझे जॉब देगा क्या? तो ये बोल रहा है कि अगर मैंने इसकी सारी लकड़ी यहाँ पर तोड़ दी तो ये भी मुझे $10 देगा। यार ये तो एकदम से गाइस मुझे इजी वाली जॉब यहाँ पर मिल रही है, लेट्स गो। तो इसने बोल के रखा है कि चेस्ट के अंदर से आयन का एक्स निकाल और सारी लकड़ी मुझे यहाँ पर अभी तोड़ दी है। तो एक काम करते हैं, मैं अभी शुरू करता हूँ और मैं देख रहा हूँ गाइस इसके घर के बाहर कितनी सारी लकड़ी यहाँ पर पड़ी हुई है जो ऐसे ही वेस्ट हो रही है। तो सबसे पहले मुझे ये सारी यहाँ से तोड़ दी है। तो लंबर जैक के साथ काम करो, लेट्स गो। लोग इतने काम पे काम मिल रहे हैं। नहीं तो भाई, मुझे यहाँ पर सारे जॉब्स करने, भाई जहाँ से पैसे मिल रहे हैं मुझे वही से, भाई मुझे सिर्फ वही वाली जॉब ही करनी है। अरे खतरनाक हो ये तेरे, कितने देगा लंबर जैक वाला बंदा? हाँ इसने खतरनाक डील मारी है मेरे साथ। ये बोल रहा है कि अगर मैंने सारी लकड़ी तोड़ दी तो ये मुझे $10 देगा। $10? सीरियसली? हाँ वही तो। और देखो भाई, इसने कहाँ कहाँ लकड़ी लगा के रखी है यार? उसकी सीढ़ियाँ थी वो ऊपर आने के लिए। अच्छा वो सीढ़ियाँ थी क्या यार? उसने बोला था भाई इलाके में जितनी लकड़ियाँ सारी तोड़ दो, तो मैंने तोड़ दी। एक ये यहाँ पड़ी हुई, ये भी तोड़ दे। दो तीन यहाँ पर भी पड़ी हुई, तो मैं ये भी उठा लेता हूँ। और ये ले लंबर जैक, मैंने तेरी सारी जॉब यहाँ पर कंप्लीट कर दी। तो ये मैं तेरा सारा मटेरियल इस चेस्ट के अंदर रख लेता हूँ और यहाँ से निकालो एक और $10। लेट्स गो, मेरे पास अभी $20 आ चुके हैं भाई। मेरे पास एक जॉब है तेरे लिए। अच्छा हाँ, बोलो बोलो। जो है खाना पीना टाइम से नहीं पहुंच रहा क्योंकि हमारा जो पोस्टमैन है वो आज आया ही नहीं, तो ठीक है। हाँ वो 4 बजे मेरे घर पे आया था। अरे बात सुन ना, तो ये फार्म हाउस से फार्मर वाले बंदे से मिल ले, इधर को जॉब देगा। अच्छा ये वाला बंदा जॉब देगा, आज फिर मैं इस बुड्ढे के साथ मिलता है। बुड्ढा नहीं है भाई, ये बड़ा भाई शरीफ आदमी, अपना दोस्त है यार ये वाला बंदा।
बाहर निकालूं क्या? हाँ सॉरी सॉरी सर जी, सॉरी सर जी। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखूं तो ये बोल रहा है, आई टेक केयर ऑफ ऑल द फूड सप्लाई इन दिस विलेज बट आई एम टू ओल्ड नाउ, कैन यू डिलीवर ऑल दिस फूड फॉर $20? अरे भाई साहब यार, ये वाली जॉब तो गाइस बहुत ज्यादा इजी है गाइस, डिलीवरी का मुझे सिर्फ $20 मिलेगा यार, ये तो एकदम से सही है। तो इसने बोल के रखा है कि गाइस अंदर चेस्ट खोल और यहाँ से गाइस मुझे हर एक चीज का एक एक स्टैक उठाना है। और भाई साहब यार क्या मेहनत ये कर रहा है, इसके पास इतने सारे ये फल और ये फसल कहाँ से आ रहे हैं भाई? ये पैसे कमाता है, ये खाना पीना बेचते है भाई, इसका बहुत बड़ा बिजनेस है गाँव के अंदर। भाई मैं देख रहा हूँ यार क्या क्या चीजें से यहाँ पर उगा के रखी है। तो गाइस मैंने सारी चीजें यहाँ से उठा ली है, अभी मुझे जाना है बार और डिलीवरी शुरू करनी है। पैदल तो दो जन्म में भी नहीं पहुँच पाएगा, यहाँ पे इसकी क्वाड बाइक है वो ले ले। अरे हाँ लेट्स गो यार, ये तो एकदम से सही है यार, फ्री वाली क्वाड बाइक भी मुझे मिल रही है और मैं चेस्ट तो खोल ही नहीं पा रहा। हेलो अबे ऐसी ले जा, क्या करना तेरे को, वो लॉक्ड है, वो पेट्रोल ही नहीं है इसमें, क्या मुझे भाग के ही जा। चलो फिर मैं भाग के ही जाता हूँ। ये देखो आते ही यहाँ पर एक बेकर खड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये बेकर है तो आई थिंक उसको वीट या चीजें तो चाहिए। अच्छा इसको नहीं चाहिए यार, मुझे लगता है इसकी बेकरी के अंदर कोई यहाँ पर कर्मचारी बैठा होगा। ये रही एक आंटी जी यहाँ पर खड़ी हुई है और सबसे पहली डिलीवरी गाइस मुझे यहाँ से कर दी। तो सबसे पहले मुझे 5 ब्रेड देने हैं, उसके बाद 10 एप्पल्स, उसके बाद आती है 10 बेरीज और फाइनली आता है 10 बीट रूट। और लेट्स गो, मुझे आते ही यहाँ पर थोड़े बहुत पैसे मिल चुके हैं, तो मेरे पास अभी आ चुके हैं $24। तो गाइस डिलीवरी पर भी मुझे एक्चुअली पैसे मिल रहे, तो ये तो एकदम से सही है। तो अगर गाइस मैं इस जॉब का टोटल यहाँ पर लगाऊं तो मुझे आई थिंक $30 या ऐसे ही कुछ मिलेगा। अभी तेरे को नेक्स्ट डिलीवरी यहाँ पे घर के अंदर देनी है। अच्छा इस घर के अंदर मुझे देनी है और इसे सेम आंटी जी यहाँ पर भी आ चुकी है। ये ना उसको क्या नुकड़ाबंदी कर रहा है, देखता हूं ये। ओके तो गाइस इसका ऑर्डर भी बहुत ज्यादा सिंपल है, इसका सारा खाना मेरे पास है और लेट्स गो। मेरे पास तो गाइस अभी $29 आ चुके हैं और अभी तेरे को एक और डिलीवरी देनी है किंग्स के गार्ड को। जल्दी गाइस इसको भी दे, टिंग के गार्ड को मुझे देनी है। और भाई साहब यार क्या मोटा मोटा उसने ऑर्डर किया भाई साहब, मुझे लगता है गाइस आज रात इसके घर के अंदर पार्टी है। लेकिन गाइस पार्टी के साथ मुझे कोई भी लेना देना नहीं रखना है क्योंकि गाइस मैं सिर्फ यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ और मेरे पास अभी आ चुके हैं $42 और इसके बाद मुझे $20 और भी मिलेंगे इस फार्मर से। लेट्स गो यार, मैं तो गाइस बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ। और ये फार्मर वाले सर जी यार प्लीज यार ये ब्रेड मुझे दे दे फ्री में। थैंक यू भाई, हाँ बोल रहे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बाकी का ब्रेड है ये मुझे सारा फ्री में मिलेगा। लेट्स गो। तो अगर मैं इसके घर के अंदर जाऊँ तो यहाँ पर गाइस ये लास्ट टाइम ये चेस्ट नहीं पड़ा था और लेट्स गो, यहाँ पर भी $20 मेरे पड़े हुए हैं और मेरे पास अभी आ चुके हैं $62। तो यार मैं तो बहुत ज्यादा तेजी के साथ पैसे कमा रहा हूँ। अबे मामा रात होने वाली है, तेरे को वहाँ से जाके आर्मर लेना और किंग से मिलना है, जल्दी कर। अच्छा अभी गाइस आई थिंक वो मौका आ चुका है जहाँ पर मैं अभी किंग से मिल सकता हूँ। लेकिन ये मुझे आर्मर क्यों पहनना भाई, अंदर मुझे क्या लड़ाई करनी है क्या किंग के साथ? किंग एक टास्क देगा, अगर तूने वो टास्क कर लिया ना तो भाई तू तो रात रात अमीर बन जाएगा मेरे भाई। चल यहाँ से आर्मर वगैरह ले लेता हूँ। तो गाइस ये वाला बंदा मुझे आयन का आर्मर बेच रहा है, तो एक काम करता मैं सारा फुल सेट यहीं से ही ले लेता हूँ। इससे पहले जो दो तीन बंदे आए थे किंग का टास्क करने के लिए सारे फेल हो गए, अभी सारे फेल हो गए। उम्मीद है कमाल लगी भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किंग अभी मुझे कोई खतरनाक चैलेंज देगा। किंग जी इनसे मिलिए, ये है दुबई से निवासी लॉगी। ये कैसा रैपर वाला किंग है भाई ये? और भाई वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो अगर मैंने उसको मार दिया तो ये किंग मुझे कुछ खतरनाक सरप्राइज देगा। तो आ जाओ, मैं अभी रेडी हूँ और अभी मुझे रात का वेट करना है। और आई थिंक तू अकेले तेरे तू मार नहीं सकता मॉन्स्टर को, तो किंग ने अपने एक गार्ड को बोल कर रखा कि वो तेरे साथ जाएगा मॉन्स्टर को मारने की हेल्प करेगा। ऐसा उसका पेपर वर्क जो है गार्ड का इस वाली टची के अंदर पेपर आई थिंक यही वाला होगा। तो यार तेरे को ये वाला गार्ड लेके जाना साथ में, ये वाला फ्री होता है, ये बहुत ताकतवर भी है। तो अगर मैं ये सीक्रेट कोड यहाँ पे रख दूं तो इसको अभी गाइस मैंने हायर कर दिया। लेट्स गो। और अभी तुम्हें रात का वेट करना है और मैं तेरे को दिखाता हूँ कि मॉन्स्टर कहाँ पर आएगा, इधर आता है, कहाँ पे आता है भाई, आज मैं इसकी दुनिया हिला दूंगा भाई। पोपटलाल नहीं है तू? ओके उस तरफ देख रहे ना, वो जो पेड़ लगी है बर्ज कटरी लगा हुआ सामने, सामने जो बर्ज कटरी लगा हुआ ना, रात को 3 बजे वहाँ पर समन होगा। ओ तेरी भाई 3 बजे यार, 3 बजे तो गाइस आत्माओं वाला टाइम होता है भाई, मुझे जाना ही है भाई साहब यार। तो आई थिंक गाइस को मार के आई हो? हाँ मैं मार लूंगा। तो आई थिंक गाइस अभी मुझे ये चैलेंज करना ही पड़ेगा यार। और गाइस थोड़ा बहुत घूमने के बाद यहाँ पर अभी रात भी हो चुकी है और गाइस मुझे यहाँ पर पैरा देना है सबसे पहले। और गाइस मुझे ऑल्सो बहुत ज्यादा डर यहाँ पर लग रहा है और मेरा गार्ड कितने है ये रहा और ये कैसे लड़ गए यार, इसके पास तो गाइस वेपन ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। वॉट ये सामने गाइस मुझे कोई लाल वाला फिगर दिख रहा है, तो आई थिंक गाइस मुझे इसी मॉन्स्टर को यहाँ पर मारना है। अगर गाइस मैं ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे क्राउच करके पास जाके देखूं, ओ आ गया भाई बंदा। भाई साहब इसके मिनियंस भी आ रहे हैं पीछे से। तो इसका नाम क्या है, नेदर किंग भाई। इसने तो गधे को भाई, नेदर की स्पेलिंग भी नहीं आती। और ये गधा गार्ड क्या कर रहा है भाई, तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो आई थिंक गाइस अभी मुझे इस नेदर किंग को खुद ही मारना पड़ेगा। तो आजा, ये ले भाई, सही डैमेज कर रहे हो, लेट्स गो। इसी के साथ ही गाइस मैंने इसको चोमू को मैंने मार दिया और मैंने उस चोमू को तो मार दिया। लेकिन अभी इसके मिनियंस भी बाकी और
भाई साहब मिनियन से गाइस चिल्लड़ भी निकल रही है, लेट्स गो, मैं ये भी उठा लेता हूँ। और गाइस अभी मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर थक चुका हूँ, तो अभी मुझे अंदर जाना है और यहाँ पर आराम से सोना है। ओके गुड मॉर्निंग, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ये रहा भाई, मैं आ चुका हूँ। और भाई आप सामने जाके देख लो, उस भाई उस गधे किंग के सारा खून यहाँ पर बिछड़ा हुआ है भाई, मैंने उसको उड़ा दिया। किंग को मार दिया भाई, पागल है क्या भाई? किंग को नहीं मारा भाई, उस नेदर किंग को मैंने मार दिया। मेरा मतलब था भाई नेदर किंग को मैंने उड़ा लिया। अरे ये उसका पेपर वर्क भी यहाँ पे गिरा हुआ, लेट्स गो। ओ भाई ओके, तेरे को रिवॉर्ड पेपर मिला यहाँ से। अच्छा, ये रिवॉर्ड पेपर मिला भाई साहब यार, तो मतलब तूने इसको मार दिया? व्हाट भाई, मैंने बोला था भाई मैंने इसको मार दिया। और ये जो आप गार्ड देख रहे हो भाई, ये एकदम से चोंगा भाई, इसने कुछ भी नहीं किया। ये उसकी टीम से खेल रहा था, उसकी टीम से अभी उसको डिस्ट्रैक्ट करने में तेरी हेल्प की है भाई। अगर ये गार्ड ना होता ना, तेरी छल्ली बन जाती यहाँ पर। अभी तेरे को बैंक के अंदर जाना है सामने, और अपना रिवॉर्ड क्लेम करना। गो। तो गाइस मुझे याद है जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर आया था, तो मेरी इन्वेंटोरी के अंदर कुछ भी नहीं था। और गाइस अभी देख रहे हो मुझे भाई रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं, साथ में मेरे पास $44 भी पड़े हुए हैं। तो क्या तीर मार रहे हो? रिवॉर्ड मैं क्लेम करूंगा, और आई थिंक मुझे यहाँ से क्लेम करना है। तो हेलो सर जी, मेरे पास ये रिवॉर्ड पेपर तो है। तो भाई साहब, ओ माई गॉड गाइस, मुझे पूरा स्टैक यहाँ पर $100 का मिल रहा है, लेट्स गो। तो गाइस इसी के साथ ही भाई एक कागज ने मुझे यहाँ पर पूरा अमीर कर दिया। और इसी के साथ ही गाइस अभी इस गांव के अंदर मैं पूरा रिच हो चुका हूँ। तो चलिए गाइस, आई थिंक अब इस वीडियो में इतना ही काफी है। तो होप यू एंजॉय, तो मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।